अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MH किचन्स। आज हम आपके साथ हरियाली चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चॉपर में 1 कप हरा धनिया डाल देंगे, 1/2 कप पुदीना डाल देंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल देंगे, 8 से 10 जवे लहसुन के डाल देंगे, 4 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे। इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। अब हम चिकन मैरिनेट करेंगे। 1/2 kg हमने बोनलेस चिकन लिया क्यूब्स में कटा हुआ। अब हम इसमें ग्रीन पेस्ट डाल देंगे, साथ ही हम इसमें 1/2 कप थिक योगर्ट डाल देंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल कर देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस डाल देंगे और इसे मैरिनेट कर लेंगे। चिकन मैरिनेट हो गया है। अब हम एक फॉइल रखेंगे, इसके ऊपर चारकोल रख देंगे और इसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के डाल के इसे कवर करके 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे हो गए हैं, अब हम ढक्कन को हटा देंगे। फॉइल में जो ऑयल है इसे हम चिकन में ही मिक्स कर लेंगे। चिकन मैरिनेट हो गया है। अब हम वुडन स्क्यूअर्स लेंगे और चिकन को इस पर लगा लेंगे। एक पैन में ऑयल डाल देंगे। साथ ही हम इसमें चिकन टिक्का रख देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से इसे फ्राई कर लेंगे। टिक्का हमारा तैयार है। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। तैयार है चिकन हरियाली टिक्का। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें।